तारक मेहता की वजह से इतना देखते हैं सर जी तारक मेहता की, अगर आप गुजराती महिला को ध्यान से देखेंगे उसके अंदर आपको दया भावी नजर आएगी आपको। जो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर करो, प्लीज मुझे सपोर्ट करो। मैं 200-250 रुपए लड़कियों को 500-700 रुपए, हम भारत की नारी है सबसे ज्यादा पेमेंट हमारी है, उन्हें कहा जाता है क्राउड कोऑर्डिनेटर लेकर आते उन्हें। आपकी तमन्ना कभी में बैठने की है ना आइए आपकी तमन्ना को खत्म कर देते हैं सर। सर आपने अपने घर पे देखा, आधे घंटे में देखा, खत्म कर दिया, फिर रिमोट से चैनल चेंज है ना, मगर इधर आपको दोपहर में 2 बजे बैठाएंगे। एकदम सही, मोहनलाल मलयालम आर्टिस्ट, इनका नाम बहुत कम लोग को मालूम है दोस्त। अच्छा यहाँ बिग बॉस चल रहा सर जी, मजा आएगा। हम फिर से बता दें कि हम मिमिक्री करते हैं, दुनिया की हर आवाज निकालते हैं, एकदम परफेक्ट निकालते हैं। यहीं पे महाराणा प्रताप का सेट लगा था, बताइए महल से जब महाराज निकलते किस पे बैठ कर आते हो? एक्सक्यूज मी, घोड़े पर है। देखिए घोड़ा चल रहा है, चारों पैरों की आवाज लगाम किस तरह घोड़ा चलाता है, ऐसी आवाज आती है। अच्छा याद होगा आपको बचपन में चुड़ैलों की फिल्म देखी है आपने? चुड़ैलें टीवी पर आती है तो पहले कुत्ते रोने की आवाज आती है, फिर घुंघरू के चलने की आवाज, फिर दरवाजा खुल। थोड़ा जल्दी आओ, सामान ये। हम जहाँ पर खड़े सर, यहीं पर वेलकम में लकड़ी वाला घर बना था, नो एंट्री में सलमान खान लड़के थे, क्रिश में ऋतिक रोशन का घर यही था। लेडीज बताओ सीरियल में यहाँ पे क्या होता है? एकदम सही, हीरोइन यहाँ खड़ी होती, साथ में गंदी सी आंटी होती सीरियल में, सासू माँ कह सकते हैं, बातचीत करी धक्का दे दिया। कोई मरते नहीं, सब केबल से बंधे होते हैं, वापस आ जाते हैं, फिर वही लड़की 4-5 एपिसोड में जिंदा होती है और बताती है गाँव वाले उठा के ले गए तो कोमा में चली गई थी। कोई गाँव वाले होते नहीं, सब गोरेगांव वाले होते सब। एक फिल्म आपके घर पे आती कहो ना।